एन अल्फा पार्टिकल विद अ काइनेटिक एनर्जी 2.1, तो एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल 2. इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट टूवर्ड्स विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम की दे रखी है वो है 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर हम बात करें तो आपके वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया एनर्जी डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2e अल्फा बाई एम अल्फा. इसी तरीके से वी हाइड्रोजन जो हो गया 2e हाइड्रोजन बाई एम हाइड्रोजन. अब हम अगर बात करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हो सकता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या हो सकता है, तो ये होगा 1/ रिड्यूस मास कंसेप्ट एम अल्फा एम एच डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम एच और वी अल्फा प्लस वी एच. हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी से ये आ जाएगा. अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं 2m अल्फा एम एच से, तो ये आपका हो जाता है 2my5 वी अल्फा. वी अल्फा के लिए हम लगा देंगे यहाँ पर वी अल्फा की वैल्यू को जो कि हो जाएगी आपकी 2e अल्फा बाई 4m वी अल्फा का स्क्वायर प्लस वी एच का स्क्वायर 2e h बाई एम प्लस 2v अल्फा दैट इज 2e अल्फा 4m इंटू 2e h बाई एम. जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आ जाएगी 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ग्रेटर देन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. यानी कि यहाँ पर एक कोलिजन से पॉसिबल है. तो ये देखिए आपकी एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है वो ज़्यादा है. जब एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है वो ज़्यादा है तो मतलब ये परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा, यानी कि सारी एनर्जी लॉस्ट नहीं हो रही है तो ये आपका परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा. तो आपका ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं, मे बी परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, डी भी नहीं. तो आपका जो ऑप्शन बचता है वो सही ये है. तो यानी कि ये सारे के सारे आपके गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाता है सही. ठीक है.